नमस्कार, हम हैं बक्कू रिपोर्टर। आज हम शहर की गलियों से निकलकर गांव की गलियों में आए हैं हल्के भैया और घूंघट वाली से चर्चा करने के लिए। तो आज की चर्चा का विषय है कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए कौन बेहतर उम्मीदवार है। तो हम सबसे पहले हल्के भैया से पूछते हैं। तो हल्के भैया, तो आप बताइए कि अध्यक्ष पद के लिए सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन होगा? क्या शुरू होगा? हाँ, कैमरा चालू हो गया। बताइए। हल्के भैया कछु मालूम न रहते हैं, बने ठन रहते हैं। जब इतनी देर से रिपोर्टर कह रहे हो कि इंटरव्यू करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, तो बन ठन रहे हैं। पूछ रहे हो? आ जाओ। हाँ हाँ, बताइए क्या कह रहे थे। मैं ये पूछ रहा था कि अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस में आपके हिसाब से, कांग्रेस में काहे के अध्यक्ष पद, मतलब पूरा गांधी खानदान चला तो कौन? अरे भैया, इन्हें हम बता रहे अध्यक्ष पद के लिए वो थरूर है। मालूम थरूर के थरूर ने फार्म भर दो अध्यक्ष बनन ताई हैं। और हमारी पूरी बात तो सुन लो पहले। अरे वो तो क्या है, क्या कह रहे थे हम? कह रहे तुम गांधी परिवार, वही तो। अरे तुम भाई को बीन बजाते रहो हैं, थरूर बन जाएंगे ना तो रैंपॉक हो गए। अरे तो वो थरूर भैया प्रेम के पुजारी हैं, वे बन जाएंगे तो अच्छा रहेगा, प्रेम फैलाएंगे। प्रेमी तो चाहिए देश में। थरूर से बेहतर तो भैया फिर वो गलोत है। आए? पानी में से बिजली निकाल दे, इतनी ताकत कोई लगा के दिखा कहते पानी का काम तो न रहते जब बिजली निकल जाए। ये बात तो सही है, साइंटिस्ट बड़ा गलत जो है। माने कहीं हम तीन तीन पद संभाल लेंगे। हाँ, इनकी बात में दम है। तीन तीन पद एक आदमी है तो का चक्कर है। अब मुख्यमंत्री बनाए, वो अध्यक्ष बनाए, वो सब कर ले। तो कांग्रेस में और कोई बचो नहीं है का? ए, कांग्रेस के तो बुजुर्गन में भी इतनी ताकत है, तीन तीन पद संभाल लेंगे। तुम्हारे यहाँ हो कोई तो बता दो। हमारे यहाँ इतने आदमी है, हमारे यहाँ कितने के नाम उड़ा बता पा रहे भैया। इन दोनों की तो छोड़ो, जब राहुल भैया हमारे अध्यक्ष बन जाए तो पूरे बीजेपी घोल पी जाए। तभी तो ये यात्रा चल रही है। मुझे ये बताओ, जो आदमी यात्रा कर रहा हो खुद ही वो लीडर बनना फिर रहा है। ए भैया, इन्हें मालूम ना है, इनने सतयुग देखो ही ना है, इनके इन थे ही ना है। अच्छा, सतयुग से तुम्हारा कोई है? अब बताओ। देखो हाँ, तो भैया देखो, राम भगवान ने यश में भैया करो तो घोड़ा छोड़ो होते हो। हाँ, है तो कोई की ताकत हो सो रोक के दिखा दे। बेसे ही राहुल गांधी निकल पड़े, कहू की हिम्मत हो सो रोक के दिखा दे। पूरा भारत जोड़ के ही मानेंगे राहुल गांधी। अब समझे? लेकिन 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 अध्यक्ष पद की अपनी एक गरिमा होती है ना। क्या की गरिमा? कौन सी गरिमा? नहीं मतलब एक जो पद होता है उसकी एक गरिमा। अच्छा, अच्छा, तो मन की पच्चेदारी कर रहा है, पैसा ले लेंगे इनसे। ए भैया, पैसा ले लेंगे की बात मत करियो यहां पे। देखिए देखिए, थोड़ा सीमा में पैसा ले ले। काय की सीमा? अरे काय की सीमा? अरे ए भैया, इमारती इतना है, तुम भैया उनसे बात मत करो। हम तुम्हें बता रहे, देखो सोनिया गांधी है, उनमें काबूराई भैया भी अध्यक्ष बनी हुई है, तो है आगे बन जाएंगी, है आगे बन जाएंगी। तुम्हें बुराई का है सोनिया गांधी से, तुम्हें परेशानी का है उनकी। देखो, सास शहीद है गई, उनके पति शहीद है गए, देश के लिए उनने जान कुर्बान कर दी है, और वे बेचारी कैसे पूरी पार्टी और संभाली, पूरी देश और संभाली है। अब तुम्हें उनसे समस्या है, इसलिए समस्या है। अबे हो गई बूढ़ी, स्वयं बार बार कह रहे कि भाजपा के बूढ़न में ताकत ना हो, लेकिन कांग्रेस के बूढ़न में बुजुर्गन में ताकत है। अच्छा, तो संभाल ले पार्टी और देश। अच्छा, इनकी बात में दम है, फिर पैसा ले ले तुमने। अरे इनके पास कहन को कछु ना होते, सो रिपोर्टर पे डाल देते हैं। जे लोग गोदी मीडिया संभाल के गोद में रखते रहते हैं, तो कछु ना है। आप ऐसे आरोप मत लगाइए। आरोप क्यों नहीं लगाए? जब तुमने बात इनकी, मेरे को पक्ष ले रहा है तुम। ए भैया, तुम भाई बात नहीं सुनो। भारत जोड़ो यात्रा की बात करने खड़ा है ना तुम। पूरा माइक दे रहा होगा हम जो तो बात करो। भारत जोड़ो यात्रा की बात करना है ना तुम। हल्के भैया ऐसी फालतू बात करते हैं। देखो सुनो, क्या होता है, भारत जोड़न ताई निकल गए राहुल गांधी है। अब जो वाजपेयी को मुद्दा ना मिले, 40,000 की टी-शर्ट के पीछे पड़ गए। मुझे बताओ, मुझे बताओ, 40,000 रुपए की टी-शर्ट, बात करेंगे गरीबन की, गरीबन को जो हो रहा है, बेरोजगार फिर रहे हैं। ए भैया, तुम बताओ, तुम्हारे यहाँ तो गरीबन की बात होता है, तो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज में काय उड़ाते हैं, बेहू पैदल निकल पड़े। अरे तो भैया, हम गरीबन के मकान बना के दे रहे हैं, सब योजना दे रहे हैं, अनाज फ्री दे रहे हैं, मकान बना के दे रहे हैं। बारिश में भैया पूरे अंदर पानी बह रहा हूँ मकान के, नाव चलानी पड़ी मोहल्ला कॉलोनी में, पैसा खाएगा सब भैया। बंद करो, बंद करो। हल्के भैया का चुकन ना पाते भैया। ये मुझे लगता है कि ये चर्चा तो अब मार पिटाई तक शुरू हो गई है। तो अब हम इस चर्चा को यहीं पर खत्म करते हैं और अब अगली गली में चलते हैं। चाय ठंडी हो गई है भाई। हाँ, तो अब इस चाय को गर्म करवाते हैं और इस चर्चा को अब यहीं पर खत्म करते हैं। जाओ तुम्हें तो ठीक है, मिलते हैं अब अगली गली में। नमस्कार। अब मत आइयो यहाँ।